सब्सक्राइब कीजिए पीपी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए और चैनल की सदस्यता को प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों आज हम बताएंगे पर्सनल कूलर के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि पर्सनल कूलर हमेशा ही ज़्यादा डिमांड में होती है, क्योंकि इस कूलर को बहुत ही पोर्टेबल होता है और हम कहीं भी इसको आसानी के साथ ले जा सकते हैं, इसलिए पर्सनल कूलर हमेशा ही डिमांड में रहता है। इसलिए आज हम बताएंगे टॉप मोस्ट पर्सनल कूलर बजाज एयर कूलर है, ये TC 2007, जो कि सबसे बढ़िया पर्सनल एयर कूलर मानी जाती है। किसी भी कंपनी का पर्सनल कूलर है उससे बेहतर पर्सनल कूलर है बजाज का ये। इसकी प्रोडक्ट फीचर और इसकी खासियत के बारे में हम आपको बताएंगे और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम बताएंगे। ये देखिए पूरा ABS बॉडी का ये कूलर है, इसकी जो बॉडी की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, पूरा ABS के अंदर है, शॉक प्रूफ होता है, रस्ट प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है। इसमें आपको मिल रहे हैं सिंगल साइड पैड लगा होता है इसके अंदर, जितने भी आप ब्लूअर के कूलर लीजिएगा ऑलमोस्ट सिंगल साइड के ही पैड होते हैं। पीछे साइड में आप देखिएगा इसमें आपको हनीकॉम पैड विथ डस्ट फिल्टर है, साथ में कंपनी की तरफ से इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, होम सर्विस है, आप कहीं भी आप ले जाइएगा कंपनी आपको होम सर्विस देगी। दूसरी बात करते हैं, बड़ा सा आप देख रहे हैं इसके अंदर आप आइस चैम्बर आपको मिल रहा है और इसमें स्पीड की अगर बात किया जाए तो 3 स्पीड के अंदर है, लो, मीडियम, हाई और पंप और स्विंग का ऑप्शन है। पीछे आप ये दिख रहा है वीडियो के अंदर कि ये जो पैड दिया हुआ है, पैड के पीछे लगा हुआ है, ये डस्ट नेट होता है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका पैड की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा फायदा है कि आपके कमरे में जितने भी डस्ट होते हैं वो फिल्टर कर देता है, इसके पैड के ऊपर चिपक जाता है उसे आप आसानी से वॉश कर सकते हैं निकाल के। इसके अलावा देख रहे हैं आप इसमें हनीकॉम पैड लगा हुआ है और पीछे साइड में आपको 2 पेच मिल रहा है, जिससे आप इस कूलर को आप आसानी से खोल सकते हैं और कहीं भी इसको आप साफ़ सफाई पैड वगैरह का या टैंक वगैरह साफ़ करना है आपको बिल्कुल आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये कूलर बिल्कुल पीछे से खुल चुका है, इसमें कोई भी आपको टेक्निकल सामान लगाने की ज़रूरत नहीं है खोलने के लिए। ये देखिए ब्लोअर मोटर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल कवर्ड है, इसमें पानी जाने का मोटर के ऊपर कोई संभावना नहीं है। ये देखिए पैड का है इसका और ये बहुत ही आसानी के साथ इसे आप वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वाटर के लिए इसमें पाइप आया हुआ है, डायरेक्ट जब आइस चैम्बर से आप पानी डालेंगे तो सीधे टैंक में आ जाएगा। टैंक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर का एक नॉब लगा हुआ है, वो वाटर ड्रेन करने के लिए, जब भी आपको पानी निकालना है तो आप आसानी से उसको खोल के निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2 साइड बिल्कुल कवर्ड बॉडी होता है और इसमें समरसेबल हाई ग्रेड क्वालिटी का पंप आपको दिखाया गया है कि हाई ग्रेड क्वालिटी का पंप लगा हुआ है, पोर्टेबल है, बहुत ही आसानी के साथ दोनों साइड में आपको कूलर को उठाने के लिए दिया हुआ है, बाकी व्हील्स लगे हुए हैं, कैस्टर, आप कहीं भी इसको घुमा सकते हैं बिल्कुल ईजिली, एक कमरे से दूसरे कमरे ले जा सकते हैं, किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइनिंग रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, अच्छी क्वालिटी का हैवी वायर लगा हुआ है, वायर फायर रेसिडेंस लगा हुआ है इसके अंदर, कोई भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं है। इसके बाद ये डस्ट पैड को आप इजीली निकाल के साफ करके दोबारा इसको आप लगा सकते हैं पैड के अंदर, इसमें बहुत ही आसानी के साथ कमरे में जितने भी धूल मट्टी डस्ट, और कूलर के अंदर एक और फायदा होता है कि मस्कीटो वगैरह कूलर के अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा इस कूलर के अंदर एक और बड़ा फायदा है कि इसकी टैंक की जो कैपेसिटी है वो 34 लीटर का है, यानी जितने भी पर्सनल रेंज के कूलर आते हैं ऑलमोस्ट 12 लीटर 20 लीटर 22 लीटर और 30 लीटर तक मैक्सिमम आते हैं, लेकिन बजाज के अंदर आपको लगभग 34 लीटर वाटर टैंक मिल रहा है। साथ ही इसका बड़ा बेनिफिट है कि बिजली की खपत भी बहुत कम करता है, मात्र 150 वाट के अंदर ये बिजली लेता है और बिजली पावर सेवर टेक्नोलॉजी के अंदर ये कूलर बना हुआ है, तो बिजली बहुत कम मात्रा में खपत होती है। दूसरी बात है कि इसका सबसे ज़्यादा यूजेज कहाँ पे है, इसको किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पूजा रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि बिल्कुल पोर्टेबल कूलर है, बहुत ही कम स्पेसिस में आ जाएगा, फ्लोर कूलर है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस कूलर को बाहर की एयर की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हम फैन वाले कूलर इस्तेमाल करते हैं
उसमें हमेशा ही वेंटिलेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बट इस कूलर में आप विदाउट वेंटिलेशन को के ही आप अच्छी कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। दूसरी बात, पर्सनल रेंज की कूलर जितने भी है, अमूमन इसका जो प्राइज है वो 7490 की कंपनी की MRP है और आपको मार्केट के अंदर लगभग 6000 या 6200 के अराउंड मिल जाएगा। इस रेंज में किसी भी ब्रांड के आप जाएंगे कूलर तो आपको अमूमन 12 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 22 लीटर टैंक मिलेगा, बट इस कूलर के अंदर आपको 34 लीटर लार्जेस्ट साइज का वाटर टैंक मिल रहा है। इसका बड़ा बेनिफिट है कि आपको 20 से 22 घंटे तक पानी इजीली इसके अंदर चल जाता है, आपको बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी है, इस फीचर्स की बात किया जाए कि इसके अंदर बेहतरीन एडवांटेज क्या है, तो इस कूलर को आप कहीं भी पोर्टेबल है तो ले जा सकते हैं। जैसे डिजर्ट रूम कूलर होता है उसको कहीं भी ले जाने में बहुत ही परेशानी होती है, इसको कहीं भी आप आ जा सकते हैं लेके, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। छोटे साइज का कूलर है, पोर्टेबल डिजाइन के अंदर है, बहुत ही स्लिम ऑन स्लिम कूलर है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसकी दूसरी एडवांटेज की अगर बात किया जाए तो ये आपको एयर प्योरीफायर का भी काम कर देगा। कूलर कमरे के अंदर जितने भी धूल मट्टी डस्ट है उसे बिल्कुल साफ कर देगा, यानी कमरा नीट एंड क्लीन होगा। तीसरा एडवांटेज की बात किया जाए कि और कूलर की तरह इस कूलर के अंदर आपको बाहर के एयर की ज़रूरत नहीं होगी, आपके कमरे के अंदर सफोकेशन क्रिएट नहीं करेगा। इसका बड़ा बेनिफिट ये भी है कि सफोकेशन क्रिएट नहीं करता है। दूसरी अगर बात किया जाए कि इसके अंदर डिसएडवांटेज की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये छोटे स्पीसीज के लिए काम करता है, बड़े स्पीसीज में अगर इस कूलर को लगाएंगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इस कूलर के अंदर जैसे ही आप इस्तेमाल करें इसमें आइस वगैरह के टुकड़े ज़रूर डालें, इससे आपकी कूलिंग बढ़ जाएगी। एक कूलिंग को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इस कूलर में आइस क्यूब वगैरह बिल्कुल डाल दें, जिससे आपको जो है आइस क्यूब मेल्ट होकर वाटर में जाएगा, उससे पानी जितना ठंडा होगा कूलिंग इसकी कैपेसिटी उतनी ही बढ़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही छोटे स्पेसिस के लिए है, लगभग आपको एयर थ्रो की बात किया जाए तो 15 फुट का एयर थ्रो है और लगभग 150 स्क्वायर फुट एरिया को कूलिंग करने की कैपेसिटी है, जबकि बड़े जो कूलर आते हैं वो 600-700 स्क्वायर फुट एरिया तक कूल कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही अगर वीडियो आप पसंद लाइक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।